वेलकम टू ट्यूटर ममता ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वीओ यानी वॉइस ओवर एडिट करने के बारे में बताएंगे कि वॉइस ओवर वीडियो एडिटिंग में कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। आज हम आपको बताते हैं कि वॉइस ओवर कैसे एडिट करते हैं। वॉइस ओवर एडिट करना भी एक अपने आप कला है और वो उस पर कंट्रोल होना ज़्यादा जरूरी है। विजुअल एक बार गलत चला जाए तो सहन किया जा सकता है, ऑडियो सहन नहीं होती। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपके सामने पता है यहाँ वॉइस ओवर में कई सारे पड़े हैं, इनको उठाइए, पिक करिए और वॉइस ऑडियो फील्ड उसमें डाल दीजिए। ये वॉइस ओवर आपके आ गए। सबसे पहले हम चलते हैं, अब यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ लाने के लिए अब तक हमने आपको बताया कि F9 F10 का प्रयोग कर सकते हो आप। टाइमलाइन पे आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी ला सकते हो, मतलब आप सीधे इसको यहाँ से उठा करके ऐसे ड्रैग करके इस टाइमलाइन पे ला सकते हो। इसमें क्या होता है, लेकिन इसकी सुविधा ये होती है कि आपकी फाइल जितनी बड़ी होगी वो पूरी की पूरी फाइल टाइमलाइन पे आती है, क्योंकि हमें वीडियो इसलिए यहाँ क्लिक करके व्यूअर में एडिट करके लाना पड़ता है क्योंकि वीडियो की फाइल लंबाई बहुत बड़ी होती है, तो उतनी हमें ज़रूरत नहीं होती एक बार में, इसे छोटा छोटा करके लाते हैं। लेकिन वॉइस ओवर एडिट करते समय हमको क्या करना होता है, दो तरीके हैं। आप यहाँ से ला सकते हो, दूसरा यहाँ क्लिक करके आप F9 F10 जो आप प्रयोग करते हो उसका भी प्रयोग पूरा पूरा फाइल आ जाएगी। एक और तरीका है, आप यहाँ से उठा करके ये जो आपका है ना, ये है ना, इसको आप पकड़ करके भी आप यहाँ पर उठा के ला सकते। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए आपको ये टाइमलाइन है, आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। दिखने के लिए यहाँ पर एक वेवफॉर्म, जिसको सभी लोग लगभग जानते हैं, यहाँ पर वेवफॉर्म लाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देखिए ये शो ऑडियो वेवफॉर्म है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप देखिए आपको यहाँ पर वेवफॉर्म दिखने लगे। आप चाहें तो उसको जूम कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके ट्रैक के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। यदि आपको कम दिख रहा है तो आप ट्रैक साइज बड़ा कर लें अपनी आवश्यकता से अधिक ट्रैक को। आप चाहें तो कमांड प्लस कमांड माइनस इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, बड़ा कर लें। अब बारी आती है आप किसको कैसे एडिट करेंगे। एडिट इसमें क्या करना होता है, जब आपको वॉइस ओवर मिलता है, वॉइस ओवर क्या होता है, कोई ना कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है ना स्क्रिप्ट को पढ़ता है, वही आपको मिलती है। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते समय कई बार क्या होता है कि कोई सेंटेंस में कोई हर बार एक बार में ही करेक्ट चीज़ हो, ये जरूरी नहीं, हो सकता बार बार बीच में कई बार उसने रिटेक किया हो, कोई वर्ड ऐसा कोई फंस रहा हो तो उसको दो तीन बार में ने क्लियर किया हो, या कोई इम्पॉर्टेंट चेंज हो गया हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके वॉइस ओवर में हो सकती हैं। तो अब हमें क्या करना है, और कभी कभी क्या होता है, जब रिकॉर्ड करता है आदमी तो कंटिन्यू ना बोल करके थोड़ा सांस लेता है, थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद फिर से बोलना शुरू करता है। तो एक तो आपको क्या रिमूव करना है, अब आपको इस ऑडियो में से आपको वो पार्ट रिमूव करना है जो पार्ट उसने हमें नहीं चाहिए, पहली बात तो सांस वगैरह रुका हुआ। दूसरा आपको वो ध्यान देना है कि आप जो भी एडिट कर रहे हो उसने जो रिपीट किया हो या गलत चीज़ पहले बोली उसके बाद उसको करेक्ट दोबारा बोला हो, तो अब आपको क्या करना है कि क्योंकि बोलता बंदा जो गलत चीज़ बोलता है वो पहले बोलता है और सही चीज़ बोलता है बाद में बोलता है, लेकिन जब सही चीज़ बोलता है तो पूरी स्क्रिप्ट शुरू से थोड़ी रिपीट करेगा, वो जो गड़बड़ किया वही रिपीट करता है। हो सकता है एक बार में सही करे, हो सकता है दो बार में सही करे, हो सकता है तीन बार में सही करे। तो जो आपका वॉइस ओवर की जो स्क्रिप्ट है, एक तो जब आप वॉइस ओवर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सेंटेंस कहाँ पर है, तो आपको वो जो सेंटेंस लिखा गया है उसको सेंटेंस को एग्जैक्ट सही रखना है और उसको रिपीटेशन को जो रिपीट जिसे एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया है तो उसको हटा देना है, एग्जैक्ट साइज रखना है। ये बेसिकली काम है वॉइस ओवर का। अब यहाँ पर जैसे हम ये देखिए, अब जिस एरिया में ये वेवफॉर्म आपको नहीं दिख रही, जैसे इस एरिया में वेवफॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, ब्लैंक जी, तो हमें ब्लैंक पार्ट को हटाना है। आप यहाँ कर्सर रखिए जहाँ पे आपको कट लगाना है, एडिट कंट्रोल वी, वी फॉर विक्ट्री। जैसे आप कंट्रोल वी करोगे, जिस लोकेशन पे आपका प्लेहेड होगा उस लोकेशन पर एक कट लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कट लग गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, आप इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं।
अब्बूघर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी के फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। गर्मी ने दस्तक दे दी है लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अब्बूघर में भी ताला लग रहा है, यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए। गर्मी ने दस्तक दे दी है और बंदर ने यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया। अब दोबारा उसने कहा और क्या, गर्मी ने दस्तक दे दी है। अब इस बंदे ने यहाँ गड़बड़ हुआ तो ये सेंटेंस से उसने रिपीट किया है, ना कि यहाँ से रिपीट किया है। तो हमें क्या ये वाला पोर्शन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ ये वॉइस ओवर शुरू होता है उसे थोड़ा सा हल्का सा एक दो फ्रेम आगे रखते हैं, यहाँ कंट्रोल वी कर लगाते हैं और जहाँ पर ये शुरू हो रहा था वहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं और इस पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर डिलीट दो प्रकार से होता है, एक डिलीट होता है कि जब हम डिलीट करते हैं तो ब्लैंक छूट जाता है, और एक डिलीट ये होता है गैप खत्म हो जाता है। ये कैसे, वही है, यदि आप ये डिलीट करते हो और नॉर्मल गैप छूट जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड है क्लोज गैप आता है। अच्छा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा, या इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जी तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। पहली चीज, यदि आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हम जो डिलीट करें, जितना पोर्शन डिलीट करें आगे का पोर्शन ऑटोमेटिक उतना ब्लैंक एरिया को कवर कर ले, तो उसके लिए जैसे ये कीबोर्ड हम छोटा यूज कर रहे हैं, तो ये बड़ा कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें जो ये न्यूमेरिक पार्ट की तरफ एक डिलीट होता है ना, उसको यदि प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक गैप खत्म हो जाता है। लेकिन यदि अब छोटा है तो आप क्या करेंगे, अब उसकी जगह पे हम शिफ्ट डिलीट यूज करेंगे। घर में दस्तक दे दी है लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अब्बू घर में भी ताला लग रहा है, यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अब्बू घर की ये ठंडक और यानी इस बार गर्मियों की तपिश गड़बड़ हुआ। अब यहाँ बोला यानी इस बार, अब यानी यहाँ कहाँ पिछले बार बोला था देखो, यानी इस बार यहाँ से बोला, तो इसको कट मारिए यहाँ से और इसको यहाँ से कट मारिए, डिलीट करिए और कंट्रोल जी कर। अब कंट्रोल जी यहाँ यूज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपका जो प्लेहेड इस एरिया में रखा हो इसके आगे तो कोई गैप है नहीं। हाँ। तो इस प्लेहेड को पहले यहाँ रखिए उसके बाद कंट्रोल जी करिए, जॉइंट हो जाएगा। यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अब्बू घर का ये ठंडक और ये जो मार्क बने हैं, इन मार्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिट पॉइंट है, इससे पता चलता है कि आपने यहाँ पर कुछ एडिट किया है। अच्छा, इससे हमारे एडिटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखाने के लिए शो है बस। शो नहीं, अब आपने कोई चीज पोर्शन बीच में डिलीट किया है तो कोई ना कोई मार्क छूटेगा ही ना। ठीक, इस बार गर्मियों की तपिश में अब्बू घर का ये ठंडक और सुकून भरा माहौल लोगों को नसीब नहीं होगा। साढ़े तीन, अब यहाँ पर देखिए इतना गैप है, ठीक नहीं होगा, अंदाजे से लगाइए आदमी कितनी देर सांस लेता है, जितनी देर सांस लेता है उतनी देर रुकिए, जैसे ही आवाज खत्म होती वैसे आती है, अब स्पेस बार रोकोगे ना होगा तो ऑटोमेटिक कुछ फ्रेम जाकर के रुक जाएगा। अब जहां ये शुरू हो रहा है उसे थोड़ा सा पहले यहां पर रखें और कंट्रोल बी करें और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, गैप खत्म। साढ़े तीन एकड़ में फैले अब्बू घर के वाटर पार्क लोगों की पहली पसंद बन गया था। यहाँ तीन बार उसने गलती की, तो आप इस पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए, आप सीधे ही साढ़े तीन एकड़ में फिर गड़बड़ किया, फिर इसको कट मारिए, इस पोर्शन को डिलीट करिए। साढ़े तीन एकड़ में फैला अब्बू घर का ये वाटर पार्क लोगों की पहली पसंद बन गया था। मैजिक रिवर, हाई वेव्स, टावर ऑफ थ्रिल्स और स्विमिंग पूल में लोग घंटों मस्ती करते, लेकिन अब ये खत्म हो रहा है तो दुख तो होगा ही। वाटर पार्क के अलावा अब्बू घर में बने झूले भी बच्चों और बड़ों को खूब लुभाते रहे हैं। जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा उस पोर्शन को आपको हटाना है। साढ़े पंद्रह, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।